आप सबका आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेदिक गणित। इससे पहले हमने दसवीं के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। अगर आप रिवीजन के तौर पे अगर आपके यहाँ शिक्षक नहीं है तो भी उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। हर एक वीडियो में मैंने हर एक सवाल हर प्रश्न का बता रखा है, ठीक है ना साथियों। अब हम चलते हैं वैदिक गणित में। देखिए वैदिक गणित में हमारे पास जो है, इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम रखा है वो 5 अंक का रखा है। ये वैदिक गणित इस साल आपकी 5 अंक की है। इसमें हमें 4 भाग है, एक गुणा भाग वर्ग ज्ञात करना, घनफल ज्ञात करना, ये आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये क्यूब है स्क्वायर है ज्ञात करना है। अब इसमें गुणा में अपने पास सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, दूसरा सूत्र आपका सूत्र निखिलम, तीसरा आपका सूत्र न्यूनेन पूर्वेन, क्या सत्यों सूत्र न्यूनेन पूर्वेन, चौथा आपका सूत्र उधर्व त्रिंग्याम, कौन सा सत्यों उधर्व त्रिंग्याम, उसके बाद आपका भाग है, भाग के अंदर आपको 3 विधियां पढ़नी है। एक की पहली आपकी है सूत्र निखिलम के द्वारा, दूसरी आपकी सूत्र प्रावर्ती योजित, और तीसरा जी ये व्यापक सूत्र है, यहाँ पे भी आता है यहाँ पे भी आता है। इसके अंदर हमें ध्वजांक विधि, बड़े से बड़े अंक का भाग ज्ञात करने के लिए हम ध्वजांक विधि का उपयोग करते हैं। वर्ग ज्ञात करना, वर्ग इन्हीं सूत्र के द्वारा हमें वर्ग ज्ञात करना होगा, और उसके बाद आपका घनफल ज्ञात करना। अब हम एक एक भाग को लेते हैं, पहले गुणा को लेते हैं। गुणा के अंदर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का हम उपयोग करेंगे। इसी के ऊपर हम सवाल कुछ उदाहरण अपने यहाँ पर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में हम पहले अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए कैसे हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए एकाधिकेन होता क्या है। देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये 5 है, 5 के ऊपर हम अगर बिंदु लगा देते हैं तो ये हो गया इसका एकाधिकेन, यानी 5 से अधिक बराबर आपके पास ये 6 आ जाता है। 5 से अधिक 5 का एकाधिकेन है, 5 का एकाधिकेन आपके पास क्या हो गया 6 हो गया, इसके आगे वाला अंक हो गया। ये क्या क्या आवश्यकता, कैसे हम पहचानते हैं कि इसमें एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लगा, इसके लिए आप क्या करेंगे इन 2 अंकों को देखेंगे, ठीक है, और इन 2 अंकों को देखेंगे। आपका यहाँ पे देखने पे मालूम चलता, देखियो ये प्रथम दहाई के अंक देखते हैं अपन, दहाई के अंक समान होते हैं, समान होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो अंक है इकाई के अंकों, इकाई भी कह सकते हैं, और हो सकता है 3 अंक की संख्या हो, इकाई और दहाई दोनों मिला के भी हो सकता है, लेकिन अपना ये चरम अंक इधर का जो अंक है ये समान होना चाहिए। बाकी शेष निखिलम अंक जिसे हम कहते हैं, बाकी शेष अंक है वो आपका उनका योग जो आपका 10 है या 100 है या 1000 है, इस प्रकार से अगर होता है तो हम एकाधिकेन सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सवाल को सूत्र को हल करने की। अपने पास क्या है, जैसे ये 9 है, यहाँ पे भी 9 है, समान है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 9 लिख देते हैं, ठीक है साथियों। फिर अपने गुणा का निशान लगा देते हैं और इसका एकाधिकेन कर लेते हैं। मैंने लिखा ना समान होने चाहिए, और अभी बताया मैंने 5 का एकाधिकेन क्या होता है 6 होता है, उसी प्रकार इस 9 का एकाधिकेन, यानी कि आप यहाँ ऐसे ये 10 लिखेंगे, यहाँ पे 9 का एकाधिकेन 10 होता है, यहाँ तिरछी लाइन खींच देंगे। उसके बाद आपका जो 2 अंक बचता है, 1 तो 4 और 1 6, 1 तो 4 बचा दूसरा 6 बचा, ये आप इस प्रकार से लिख देंगे 4 गुणा 6, ठीक है दोस्तों। ये आप इनको दोनों को गुणा करेंगे, ये तो हो गया आपका 90, इधर हो गया 6 चौका 24, ठीक है दोस्तों। और इसको हम इस प्रकार से ये लाइन हटा के लिख देंगे, ये इसका गुणा हो गया। बड़ी आसानी से हम इस प्रकार के को गुणा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने एक दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा भिन्न है, इसमें आपका क्या है ये भिन्न वाली संख्या है। अगर भिन्न वाले सवाल होते हैं तब आप क्या देखेंगे,
जो आपका इस प्रकार से दे रखा है उनका जो योग है, जो बटे में है भिन्न में है, भिन्न का योग एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? भिन्न का योग एक होना एक चाहिए, भिन्न का योग एक चाहिए। यहां इस पे देखते हम एक बटा छह और पांच बटा छह, ये जोड़ते हैं, एक प्लस पांच बटा छह बराबर आपका छह बटा छह बराबर एक आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसे का देखिए स्कूलमैन सूत्र लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए फिर क्या करना है आपने को, ये इकतीस यहाँ पे भी ये समान है, ठीक है दोस्तों। ये आपके एक दो साल पहले बोर्ड में भी आया हुआ प्रश्न है, तीन नंबर का प्रश्न आया था। अब हम यहाँ पे बड़ी आसानी से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इकतीस इंटू आप इकतीस का एकाधिक यानी एक अधिक करना है तो यहाँ हो जाएगा आपका बत्तीस। आड़ी खींचेंगे उसके बाद आपका एक बटा छह गुणा पांच बटा छह, ठीक है दोस्त। अब हम इनको गुणा करते हैं तो अपनी इन दोनों को गुणा करेंगे, अपने पास 992 इसका गुणा गया और यहाँ पर अपने क्या अंश को अंश से गुणा करना है, पांच इंटू एक वन इंटू फाइव फाइव सिक्स इंटू सिक्स छह गुणा छह छत्तीस, ठीक है दोस्त। और इसको ये बीस वाली रेखा हटा देंगे तो 992 से ही पांच बटा छत्तीस ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा, ठीक है ना। पहले से पहले हमने जो पढ़ा हो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा गुणा पढ़ा, अब हम सूत्र निखिलम के द्वारा पढ़ना है। तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी, जैसे कि आपका 18 है, ये एक तो एक संख्या लिख देता हूं, ये संख्या है आपकी 18 और ये 7, ठीक है दोस्त। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो आधार, क्या है दोस्तों आधार, ठीक है अभी हम आधार की बात करेंगे और एक विचलन की बात करेंगे। इसमें देखिए आधार का मतलब होता है 10 100 आपका या 1000, यानी ये 10 के पास है तो इसका आधार हम मानते हैं कि ये 10 है इसका आधार, और इसका जो विचलन हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों विचलन, यानी आधार 10 माना, 10 से कितना अधिक है ये, ये 8 अधिक है इसलिए हमने 8 लिख दिया। यहां अपने पास 7 है यानी 7 से या तो कम हो सकता है, यानी ये 7 जो 10 से कम होगा या ज्यादा होगा, यानी कम है, कितना कम है 10 से, तो ये माइनस के 3 लिख देते हैं। इस प्रकार से हम इसको लाइन किए थे, ये अपनी संख्या हो गई और इस आधार 10 के द्वारा देखते हैं ये विचलन हो गया, ये आपका प्लस 8 आपका विचलन है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए इनको जोड़ना है या फिर इनको जोड़ना है, किसी भी संख्या को आप जोड़ सकते हैं, जैसे मैं ये 18 ले लेता हूं प्लस माइनस 3 और फिर एक तिरछी रेखा खींच देंगे हम। सीधी सी बात है कि यहां संख्या लिखी, संख्या जितनी है 2 है 3 है, 2 की बात करें हम 3 के आगे बात करेंगे तो 2 है, यहां हमने आधार 10 माना है, 10 का विचलन यहां प्लस 8 है, 7 का विचलन माइनस 10 है, अब इनमें ये जोड़ना है या फिर इसमें ये जोड़ेंगे, अपना जो 7 आधार 10 मान का उसके अनुसार 7 जो है 7 10 से 7 कम है तो अपना विचलन जो है अपना माइनस 3 हो गया, ठीक है। 15-18 में से माइनस 3 जोड़ेंगे या फिर 7 और 8 दोनों जोड़ेंगे, दोनों पर तो है अपने पास क्या थे इधर 15 आ जाते हैं, फिर ये जो है आपके पास इसको गुणा करना, विचलन की संख्याएं जो है इनको गुणा करिए, आपके पास प्लस और माइनस गुणा में माइनस हो गया और ये आपके पास 8 3 24 हो गया। इधर आपका क्या है, ये 15 है और ये आपका माइनस का 24 है, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास देखिए यहाँ चूंकि आधार 10 है और यहाँ 24 माइनस के है तो हमें जो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ माइनस 24 है, यहाँ से हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ आधार 10 माना है, एक उदाहरण लेने का मतलब होगा उधर आपका 10 जाएगा, अपने यहाँ पे 24 है इसलिए हम यहाँ पे 3 उदाहरण लेंगे, 3 उदाहरण लेने का मतलब साथियों यहाँ से सीधा 30 उधर जाएगा, इधर तो आपका बच गया 15 में से 3 गए तो 12 रह गए और इधर आपका क्या गया 3 जाने का मतलब
इधर आपका 30 आया क्योंकि आधा आपका क्या है 10 है, फिर माइनस 24। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास 12 बाकी निकाल लेते हैं, तो अपने पास क्या बच गया 6 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये लाइन हटा देते हैं और ये आपका 126 आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार है, अब सवाल करते हैं इसमें हम। देखिए यहाँ पर हमें इसमें भी आपको पहले आधार देखना है, क्या देखना साथियों, आधार। आधार इसमें क्या मानते हैं अपन, ये 100, 200, 300, 400, 500 तक है, हम इसमें आधार क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, 100 को कितने से गुणा करें अपन, 5 से गुणा, 500 तक आते हैं, तो यहाँ पे उपाधार भी हमें देखना है, उपाधार। ठीक है, उपाधार अपना 5 है। ठीक है, अपना इधर लिखेंगे अब संख्या और उपाधार अंक अपने पास, यही उपाधार कितनी, 500 को 5 से गुणा करते हैं 500 आ रहे हैं, तो उपाधार 5 हो गया, उपाधार अंक भी 5 हो गया, आधार आपका कितना हो गया 100 हो गया। संख्या हमने 588 लिखी और ये 512 लिखी, अब ये विचलन हमें यहाँ लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम विचलन लिखते हैं, ये प्लस 88 हो गए, यहाँ अपने पास 500 के बाद आपका प्लस का 12 विचलन हो गया, आप लाइन खींच देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ जोड़ किया ना वैसे यहाँ पे भी जोड़ करना है, इस प्रकार इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव क्या है वो मैं लिख देता हूं, यहाँ उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन। ठीक है, ऑब्लिक आप यहां डिजाइन खींचेंगे और विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास हो गया। अब हम चलते हैं संख्या, जैसे 588 हमने ली और अपने पास क्या है प्लस, ये संख्या प्लस इसमें जोड़नी है, ये जोड़ दी, उसके बाद आपके पास क्या है उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है आपके पास 5 है, हम इसको 5 से गुणा करते हैं, ऑब्लिक लगाते हैं, ये आपके पास 88 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको, ये आपके पास 5 है इंटू ये आपके पास कितना हो गया 600 हो गया, 588 में 12 जोड़ने हैं, अपना जो आगे है इनको गुणा करते हैं, ये आपका 1056। ठीक है ना दोस्तों, अपना 1056 आया, इसको गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, इन दोनों को गुणा करते हैं, अपने पास 5 इंटू 600, तो यहाँ पे देखिए अपने पास 3000 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 3000। ठीक है ना, अपने पास अब अपने पास ये 1056 इधर है, अब चूंकि अपना आधार कितना था 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो अपने को इधर क्या रखनी, 2 संख्या ही रखनी है। ठीक है, बाकी संख्या को आगे जोड़ देना है, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 56। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि 56 तो आपकी इधर ही रहेगी और 10 इधर आके जुड़ जाएगी, जैसे हम इधर जोड़ते हैं इधर हो गया 3010, इधर हो गया 56 और ये लाइन हट जाती है 3010 56, ये आपके पास आंसर हो गया। तो अपना जो एक प्रश्न है अगला 3 अंक का है, निखिलन के द्वारा करना है, आप क्या करेंगे संख्या लिखेंगे और विचलन लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपका संख्या 103 105 और 106, इनमें हमें आधार आपको मान लेना है, कितना मानेंगे आप आधार, यहां 100 के पास में है इसलिए हम क्या मानेंगे आधार 100 ही मानना है। ठीक है दोस्तों, अब 100 से विचलन, 100 से 3 ज्यादा है तो 3 हो गया, ये 5 ज्यादा है जिसका विचलन 5 हो गया, ये 100 से 6 ज्यादा है तो विचलन प्लस के 6 हो गए, और इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें उसमें 2 अंक थे इसे जोड़ते थे, अब इसमें ये दोनों ही अंक जुड़ेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, अपना ये जो इससे 103 है इसमें आपका ये 5, ये दोनों की लिखा मैंने, या फिर ये लेंगे तो इसमें ये और ये जुड़ जाएगा, 106 लेंगे, यानी कि जो संख्या लेते हैं उसके शीत वाली संख्या को छोड़ना है, बाकी विचलन को जोड़ना है।
अपना जैसे शीत वाली संख्या ये है, इसको छोड़ दिया, बाकी को जोड़ना है। ये आपके पास 5 + 6 ऑब्लिक। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास विचलन है। इन विचलन का गुणा इस प्रकार से करना, पहले इन दोनों का गुणा करना 3 × 5, फिर प्लस करना, फिर इन दोनों का गुणा करना 5 × 6, फिर गुणा प्लस करना है, और फिर आपका इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि आपका 3 × 6 ऑब्लिक करके फिर इन तीनों ही विचलन का आपको 3 × 5 × 6 इस प्रकार से गुणा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको जोड़ते हैं। तो आपके पास 103 और 5 108, 108 और 6 114 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपके पास इनको जोड़ने पर 114 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास ये 5 × 3 = 15 हो गया, प्लस 5 × 6 = 30 हो गया, प्लस ये 18 हो गया, और ये आपका अगर इनको गुणा करते हैं 5 × 3 = 15, 15 × 6 = 90 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना, देखिए साथियों, इनको जोड़ना है। ये 114 है और इनको जोड़ेंगे हम, तो ये 5 8, ये 8 × 5 = 13, 1 1 1 2 2 5 1 6। ठीक है दोस्तों, और ये आपके पास 90 हो गया। इस प्रकार से योग आपका ये आ गया। इनको हमें क्या करना करना, सीधी सीधी बात है, ये जो आएगा आपका जैसे है वैसे, आधार अपना 100 है, इसमें 2 0 होते हैं, तो आपके पास हर एक खाने में 2 अंक ही होने चाहिए। अगर 10 होता तो हम आपका 1 अंक रखते, एक आगे ले लेते, जैसे पिछले सवाल में लिया था, तो अपना ये आंसर जो हो जाएगा 114, 63 और 90, ये आपका वास्तव में गुणा आ जाएगा। अगला सूत्र जो है आपका है न्यूनयन पूर्वण। ठीक है ना, जो सूत्र आपका तीसरा है ये न्यूनयन पूर्वण में हमें क्या करना, एक चीज देखनी, देखिए यहाँ पे हमें 9 होना चाहिए, कुछ भी संख्या हो, लेकिन यहाँ पे 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, कुछ भी हो सकता है। अब अपना आता है कि न्यूनयन क्या होता है। न्यूनयन का मतलब होता है जैसे ये 54 है आपका, इसका न्यूनयन करना है, तो इसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, बिंदु लगाते हैं। इसका मतलब हो गया कि 54 का न्यूनयन है आपका, इस 4 में से एक कम हो जाएगा, क्या होगा आपका 53। ठीक है, 5 जैसा है वैसा ही लेना, जिस अंक के नीचे बिंदु लगा है, डॉट लगा है, उसको एक कम करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया न्यूनयन। अब हम चलते हैं गुणा के ऊपर। देखिए आपका इसको हल करने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या है, जब आप इधर संख्या कुछ भी हो, लेकिन इधर चाहे आपका 9 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार अगर है, तो हम बड़ी आसानी से उनको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, आपका संख्या जो आपकी 54 है, 54 का एक कम करना, न्यूनयन करना है। ये 54 का न्यूनयन ऑब्लिक 99 लिखना है, यहाँ पे 99 है, या माइनस करना है, और 54 का अपने पास क्या है, ये न्यूनयन आपको घटाना है। ठीक है दोस्तों, अब 54 का न्यूनयन क्या होता है आपके पास, ये आपका 54 का न्यूनयन का मतलब होता है एक कम करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 99 है माइनस 54, माइनस ये करना है, 54 का न्यूनयन है, एक हो जाएगा अपने पास। अपने पास इधर क्या हो गया 53, इधर अपने पास क्या हो गया 99 माइनस 53, 54 में से एक हटा दिया, 53 बचा, और 53 यहाँ लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो 53 आएगा अपना, और इधर अपने पास क्या है, इसमें से घटाना अपने को, 99 में से 53 घटाने हैं, तो ये 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका 53 46, 5 346 आपका गुणा हो गया। वो आगे वाला गुणा करते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे अपने पास भी देखो, मैंने कहा था 9 होने चाहिए, 9 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं 43 का न्यूनयन लिख देते हैं और आड़ी लाइन खींच देते हैं, फिर 9 लिखते हैं। ठीक है, माइनस आपका 43 का न्यूनयन लिखा। ठीक है, और 43 का न्यूनयन का मतलब यहां हो गया 43 − 1 न्यूनयन ऑब्लिक आपके पास 9 - 43 - 1, ये होता है
न्यूनतम का मतलब ये कम करना है, ये कम किया हमने, ये इधर हो गया अपने पास 42 ऑब्लिक ये 9 माइनस 43 से 42 हो गया। अब देखिए साथियों अपने पास क्या है, यहां पर 9 है और यहां 42 है, बाकी नहीं निकलता है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे पहले और फिर बाकी निकालेंगे। ये 9 है, इसको यहां लिख देंगे, लाइन को हटा देंगे बीच वाली को, और यहाँ 429 हो जाएगा। अब इसमें से अपने को इसमें बाकी निकालना है, 9 में से 2 गए तो 7, और ये 2 में से 4 बाकी नहीं निकले तो 12, 12 में से 4 गए तो 8, और ये 3 बराबर अपना गुणा क्या हो गया, ये 387। ठीक है दोस्तों, ये जो गुणा है वो आपके लिए है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर लिख कर बताए कि वैदिक गणित से गुणा करने पर कितने आंसर आते हैं। तो साथियों अपना जो सवाल है अगला, सूत्र है उधर्व तिरंग्याम सूत्र। उधर का अर्थ होता है सीधा खड़ा रहना, या ठीक ऊपर, अंक के ऊपर अंक है, सीधा हो गया। और तीरे का अर्थ है तिरछा, खड़ा का सीधा, ये आपका सिंबल है तीर से या ऊपर नीचे से, और तीरे का चिन्ह जो हम इस प्रकार से लगाते हैं। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। इसमें देखो जो अंक हम गुणा करते हैं, दोनों अंक, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, अंक दोनों में समान होने चाहिए। अगर अंक कम है कहीं तो वहां पे 0 लगा के अंक समान कर लेने चाहिए। अब हम इसके समूह बनाते हैं, कितने समूह बन सकते हैं, इसमें कितने अंक है दोस्तों, 2 है, यानी कि आपका अंक 2 को 2 से गुणा करेंगे 1 कम कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने पास रहेगा 4 - 1 = 3, यानी कि इसमें 3 स्तंभ बन जाते हैं। स्तंभ की संख्या याद करनी है अपने को, स्तंभ कितने बनेंगे, 3। 3 स्तंभ किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला स्तंभ ये है 5 और 6 का हो गया, फिर दूसरा स्तंभ आपका बनेगा 5, 6, 3 और 4, ठीक है, फिर तीसरा बनेगा आपका 3 और 4। अब इनको गुणा कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम गुणा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास ये 5 अंक और उसके बाद का ये तिरछा गुणा, इस प्रकार से गुणा करना है और इनको जोड़ना है। 6 को 3 से गुणा करेंगे ये आपके पास 18 प्लस 4 और 5 गुणा करेंगे 20, ये ऑब्लिक लग गया आड़ी लाइन किसकी, और इन दोनों को गुणा करना है 4 3 12, ठीक है दोस्तों। आपके पास ये 12 हो गया, ये आपके पास इनको जोड़ेंगे अपने पास 38 आ गया और ये आपके पास 30 आ गया। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ तक तो हम आगे, बहुत ही आसान सवाल है तरीके से। इससे पहले साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, बेल आइकन दबा देवे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपके घर में कोई भी माता बहन भाई भैया अगर रेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे रेट की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो देखिए अपना जो आगे क्या है, यहाँ पे हमें, यहाँ पर इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए ये 12 है, ये 38 है और ये 30 है। सीधा से क्या करते हैं, ये इसको इस प्रकार, ये अंतिम वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इधर 3 है, आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, और आगे जुड़ते ही 38 में, ये 38 है, 38 में 3 जोड़ दे आपके पास क्या हो गया 41, 41 का 1 यहाँ रहेगा, फिर आगे चला जाएगा, ठीक है, 4, 4 इसमें 12 में जुड़ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार 16, 1 और 0, यानी 16 से 10 1610 इसका आंसर हो गया। हाँ तो दोस्तों ये अपना इस वीडियो में अंतिम सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, पहले उधर तिरंग्याम से करना हमें, तो पहले अपने स्तंभ की संख्या ज्ञात करनी है। स्तंभ यानी पहले 2 लिखेंगे, 3 संख्या है, इसको 3 से गुणा करेंगे, -1 करेंगे, 6 - 1 यानी 5 स्तंभ बनते हैं। हाँ तो साथियों ये आपके पास 5 स्तंभ बने, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना। तीसरे में आपको इन तीनों को गुणा करना है, इनको, इनको और बीच वाले को, फिर एक छूट गया 2 रह गया, फिर आपका ये 1 हो गया। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 8 × 5 = 40, ठीक है, आपका ये 5 = 15 अपना जो। अब तीसरे को हमें क्या करना है, इसको इसको गुणा करेंगे, अपने पास 25, फिर इसको इसको गुणा करेंगे प्लस
8 6 48 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे 4 3 12 फिर लाइन खींचेंगे, ये दोनों गुणा होंगे 5 4 20 प्लस 6 3 18 ऑब्लिक 5 6 30। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये 40 है जैसा है वैसा लिख दिया। अब इनको जोड़ते हैं, अपने पास 5 2 7 और ये 5 और 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया ऑब्लिक, अपने पास ये 48 50 60 हो गया, 60 और 25 85 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 38 हो गया और ये आपके पास 30 हो गया। अब क्या करना हमें, इसको आगे जोड़ते हुए चलना, यहां से मैंने 40 में जोड़ा, इधर अपने पास 0 रह गया और इसमें 4 जोड़ेंगे अपने पास 51 आ जाएंगे। ठीक है ना, 47 में 4 जोड़ा अपने पास कितना आ गया, 51 आ गया। 51 में हम अगला 1 लिखेंगे और आगे 5 रह गया, 5 को इसमें जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 का अपने पास क्या आएगा 0 और 9 आगे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर ये 90 आया, 9 इसमें जोड़ेंगे, अपने पास 9 इसमें जोड़ते हैं तो 47 का 7 हो गया, आखिर का 4 हो गया और 30 में 4 जोड़ देंगे आपके पास 34 हो गया। इस प्रकार से आपकी ये गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं को उधर संख्या से गुणा करते हैं तो अपने पास आंसर ये आ जाता है। देखिए अपना ये इकाई दाई सैकड़ा हजार दशहर लाख 3 लाख 47 हजार 10 आपका आंसर हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।